अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही क्यूट सी एक फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं बच्चों की। है तो ये 10 ईयर्स के बच्चों तक के लिए आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आप जो मेजरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो देखें इंची टेप से अगर आप मेजरमेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके लिए बहुत टफ़ हो जाएगा अब मेजरमेंट करना। तो देखिए, मैंने एक कपड़ा लेके उसे डबल फोल्ड कर लिया है, और क्योंकि ये स्कर्ट है तो नीचे मैंने सिंपल जो बच्चे का एक ट्राउज़र होता है उसके हिसाब से मैंने आधा ले लिया, जितनी लेंथ आपने रखनी है। तो मेरे पास, क्योंकि मैं 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो 15 इंचज़ की लेंथ आ गई है। तो आप अपने बच्चे का ट्राउज़र ले लें, ठीक है, पजामा ले लें, उसको ऊपर रखें, और जितनी स्कर्ट की लेंथ आपने बनानी है उस तरह आप मेजर कर लें, जिस तरह मैं कर रही हूँ, ठीक है। सिंपल, आप जो कपड़े आपको अच्छे फिटिंग वाले होते हैं वो आप ऊपर रख के मेजर कर लिया करें, उससे आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि हमने कितने साइज़ की बनानी है, ठीक है। और स्टिचिंग में हमेशा हम 1-2 इंचेस छोड़ देते हैं। अब ऊपर जो ओपनिंग हम स्कर्ट की जो बनाएंगे, अब मेरे पास तकरीबन आ रहा है 2.5 इंचज़ की मैं दोनों साइडों से लेंथ लूँगी, ठीक है। आप भी अगर दो तीन साल की बच्ची के लिए बना सकते हैं तो बेशक इतने ही ले लें, मतलब आप उनकी जो वेस्ट लाइन है उसको चेक कर लें कि कितनी मेजरमेंट चाहिए होगी, ठीक है। अब ये मैंने तकरीबन 4 फोल्डेड कपड़ा रखा हुआ है, डबल उसमें फ़ोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये अब अभी मैं खोल के आपको दिखाऊँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर अब ऊपर से उसमें कटिंग कर लिए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने 4 दफ़ा फ़ोल्ड किया हुआ था, मतलब के कपड़े को आपने 2 दफ़ा फ़ोल्ड किया हुआ था। अब ऊपर मैंने इसके लगानी है स्ट्रिप, ठीक है। ये स्ट्रिप ऐसे कि ये जो है वो बेस होगी एक्चुअली स्ट्रिप्स के लिए। तो इसको पहले आप मेजर करें, ठीक है। मेरे पास ये तकरीबन 10 इंचज़ आ रहा है, 10 इंचज़ मेरे पास ये आ रहा है, 10.5 आ रहा है, इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये मेजर करने का तरीका ये है कि फिर ये आपने तकरीबन 5 इंचज़ ये जो स्ट्रिप है ये ज़्यादा बनानी, क्योंकि इसमें मैंने इलास्टिक डालनी है। तो तकरीबन मैं 5 इंचज़ इसमें ये वाला कपड़ा ज़्यादा रखूँगी। इस तरह मैंने इसको सी के और फिर इसमें इलास्टिक डाल के ऊपर मैंने उसको इसके साथ अटैच करना होगा, तो इसलिए ये कपड़ा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप मेजरमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हम शर्ट की भी पहले मेजरमेंट ले लेते हैं। ये भी मैंने डबल फोल्डेड कपड़ा रखा है, जैसे हम प्रेस करते हैं कपड़ों को, सॉरी फोल्ड करके रख देते हैं। अब आप शर्ट रखें, ठीक है, क्योंकि ये एक स्कर्ट की तरह, शर्ट की तरह है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ, ठीक है, कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। शर्ट लेके आप मेजर कर लें कि आपको कितनी चाहिए होगी, तकरीबन 4-5 इंचज़ ज़्यादा रख लीजिएगा। फिर ऊपर ये स्ट्रिप्स हैं, क्योंकि स्ट्रिप्स नज़र आएंगी तो मैंने ली हैं 15 इंचज़ की। जितनी शर्ट ले रहे हैं ना, क्योंकि शर्ट आप लंबी ले रहे हैं तो आप स्ट्रिप्स भी दोनों 5-5 इंचज़ ज़्यादा रख लें। अब हम इस शर्ट की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजीली कटिंग बहुत सी वीडियोज़ में मैं दिखा चुकी हूँ कि आपने कटिंग कैसे करनी है। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपने गला काटना होता है, फिर आप स्लीव्स की जगह काटते हैं और स्लीव से फिर टर्न करके आपने नीचे ए लाइन बनानी है या बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट बनानी है। हम सिंपल शर्ट बना रहे हैं, ये देखें, बहुत इजी है कटिंग। लेकिन याद रखें, कटिंग करने से पहले अपने कपड़े को प्रेस कर लीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा एरिया कपड़ा जो है वो मैंने स्लीव्स के लिए छोड़ा हुआ था, तो वो भी आप अलग से काट के और काट के रख लें। सबसे पहले आप अपनी सारी कटिंग कर लिया करें, उसके बाद आप अपनी स्टिचिंग को स्टार्ट किया करें। तो फ्रेंड्स, मेरे स्लीव्स भी रेडी हो गए हैं, तो चले अब बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमने इलास्टिक के लिए जो ली हुई थी जगह, वो आपने हल्के हल्के इसकी दोनों साइडों पे आपने उसके साथ अटैच करके, इसको जैसे हम इलास्टिक की जगह बनाते हैं ऊपर, तो वो आपने बना लेनी है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। साइड से बंद कर दें, फ्रेंड्स। अब आपने इसको बंद करना है, जैसे हम इलास्टिक के लिए जगह बनाते हैं, पहले फोल्ड करके फिर दोबारा बड़ा फोल्ड करके आप इसको स्टिच कर लें। अब ये फ्रेंड्स, ऊपर जो मैंने स्ट्रिप्स बनानी है ये वो हैं दो, ठीक है, जो हमारे पास 15 इंचज़ आई थी। आप भी इसको बिल्कुल उतनी ही लेंगे जितनी के बच्चे की हाइट होगी, जितनी आप उसकी शर्ट बनाएंगे उससे थोड़ी सी लंबी रख लीजिएगा। दोनों को आप इस तरह स्टिच कर लें और फिर आपने इनको सीधा कर लेना है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि अब हमने इसमें इलास्टिक भी डाल दी, और अब आपने ये दोनों स्ट्रिप, दो उंगलियों को फासला छोड़ के आपने इसके साथ
सी लेने हैं, ठीक है। चाहे तो सुई के साथ कर लें और चाहे तो आप इसको एक सिलाई मार के आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन पहले इलास्टिक डाल लीजिएगा, ठीक है। ये अटैच करने के बाद आपने इसके ऊपर दो बटन्स लगा देने हैं। ऑलरेडी आप देख चुके हैं ये बनी हुई, तो दोनों जो फ्रंट साइड है उस पर हम इसको बटन्स को अटैच कर देंगे। पीछे से आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, और आगे आके फिर ये स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपने दो बैक पे भी करके और आपने इनको सिलाई कर लेनी है। सुई धागे से भी कर सकते हैं और आप इनको दूसरी साइड उससे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने स्टिच करने के बाद इन पे लगा देने हैं बटन्स, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो अपनी जगह से वो हिल ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पिन्स लगा लेते हैं, उससे फिर स्टिचिंग आपकी बहुत आसान हो जाती है। ये करने के बाद मैं इसको मशीन में सिलाई करूँगी, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ताकि आपकी जो जगह है वो वैसी ही रहे। अब हम यहाँ दो बटन्स लगा देंगे, ठीक है, स्टिच करने के बाद, और नीचे वाली जो पाइपिंग है वो भी आपने कर लेनी है। नाउ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दोनों बटन्स इसके साथ लगा लिए हैं, ठीक है। आप सिंपल सुई के साथ, सुई धागे के साथ लगा सकते हैं इनको, और नीचे से मैंने पाइपिंग भी कर ली। अब हम शर्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनके शोल्डर्स को आपस में अटैच कर देंगे। शर्ट की स्टिचिंग बहुत आसान है, ठीक है। ये आपने सबसे पहले हम शोल्डर्स अटैच करते हैं, उसके बाद हम ये देखें मैंने जाली रखी हुई है जो कि मैं लगाऊँगी स्लीव्स के साथ। पहले मैंने स्लीव्स के साथ को जाली को अटैच करना है और फिर मैं इन स्लीव्स को शर्ट के साथ स्टिच कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं स्लीव्स मैंने अटैच की, और अटैच करने के बाद मैंने बना लिया है। अब इसी तरह जो नेक बनाते हैं हम लोग, देखिए मैंने ग्रीन कपड़ा यूज़ किया है, ठीक है। पहले हम इसको इसके साथ स्टिच करते हैं और उसके बाद हम पाइपिंग जो है वो सुई धागे से हम इसकी तुरपाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो जैसा मर्ज़ी कलर ले लें। इसके बाद आपने इसको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आप इसको यूज़ करें और बच्चों को पहनाएं। और ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।